get on my head. Guys, welcome back to my channel. So first, do subscribe, do comment and do like this video. And आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ. मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो पहले सब्सक्राइब. Let me show you my OTT, which is very simple and cute. I'm in really love with this outfit. It looks so good on me. So मैं आ चुकी हूँ बैंगलोर और मैं यहाँ से जा रही हूँ मैसूर. और मैं आपको दिखाती हूँ अपने होटल रूम का व्यू. तो मेरा व्यू बहुत प्यारा था, देखो पूरा बैंगलोर दिख रहा है यहाँ से. सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड मैंने पहना है प्यारा सा इंडियन ड्रेस. और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ. इतना प्यारा व्यू है ना हमारे होटल का, देखो इतना प्यारा लग रहा है ना ये. अच्छा लग रहा है, कोई है ही नहीं है, कोई रहता नहीं है, बहुत शांत शांत प्लेस है. मैं आई हूँ बैग्स म्यूजियम में जो मैसूर में है. और अभी देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है. आधे घंटे का पूरा राउंड है और यहाँ क्या क्या होने वाला है, लेट्स सी. ये पूरा पहले जमाने के लोग हैं. अरे शिट, ऐसा लग रहा है कि रियल में खड़ा हुआ है. ये ऐसा लग रहा है सब रियल के लोग बैठे हुए हैं यार, है ना. सो गाइस, ये लिटरली ऐसे लग रहे हैं कि रियल में बैठे हुए हैं. और ये सबकी हिस्ट्री है जो लिखी हुई है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी क्योंकि हम ऑलरेडी लेट है. बट ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत सारा है. ओ महात्मा गांधी जी, पूरे म्यूजियम में सिर्फ एक इंसान को हम पहचान. यहाँ पे ना एक ऐसा होना चाहिए कि गाइड होना चाहिए, यू नो, जो बताए इनके बारे में क्या क्या थे कौन थे. बट फाइन, सारे म्यूजिशियन ही थे क्या. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहाँ पर चलता था पहले. ये शेख है क्या, अरब मिडल ईस्ट पीपल. हबीबी समझो, एकदम से उठ के बोले हबीबी कम टू दुबई. देखो हमें कौन मिला है, शिनचिन शिनचिन, प्यारा प्यारा. किस यहाँ पे और भी सब कार्टून है. ओ गाइस, दुनिया हिल रही है. जो नंदिनी डेयरी मिल्क है वो यहाँ बहुत फेमस है, तो हम यहाँ पे आए हैं चाय पीने के लिए. देखते हैं कैसी चाय होगी. अब मैं आ चुकी हूँ बहुत सर्च करने के बाद एक गुफा रेस्टोरेंट मैसूर में. देखते कैसा है, गुफा बना हुआ है पूरा यहाँ पर, पूरा ही गुफा सी बनी हुई है. चलते हैं, चलो. चिकन कुरकुरे, पहुंच चुकी हूँ मैसूर और मैं आपको मिलाने वाली हूँ आज एक ऐसी कम्युनिटी से जिसके सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है. हाय गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ पक्षी राजपुरा और ये गांव है हकी पिकी कम्युनिटी का. सो गाइस, मैं फाइनली आ चुकी हूँ वीनू जी के घर पे और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आदिवासी ऑयल कैसे बनता है उसका प्रोसेस देखने के लिए. तो चलो उनसे मिलते हैं, वो बहुत ही स्वीट लग रही है मुझे. सो लेट्स गो. हेलो मैम, नमस्ते, वेलकम. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हूँ. चलें घर? नहीं, घर पे नहीं, पहले आपका ऑयल मेकिंग प्रोसेस देखने चलेंगे. चलो चलो, आप देखना चाहते हैं ना, चलो मैं दिखाती हूँ. ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि आदिवासी ऑयल में यूज क्या क्या होता है, हमें वीनू जी बताएंगे. चलो, तो आप देख सकते हो इतने सारी चीजें हैं, ये इंग्रेडिएंट्स है जो यूज होती है, जड़ी बूटियाँ. तो आप मुझे बता सकते हो कितनी सारी हैं, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. क्या आमला है, जंगली आमला, अलवेरा है, गुलाब का फूल है, तुलसी का पत्ता है, लीम का पत्ता है, जाम का पत्ता है, ये बिरमी बोलते हैं. और ये सब क्या है? ये पूरा सूखी जड़ी बूटी है. ये सूखी है? ये अच्छा, सूखी जड़ी बूटी. ये जड़ी बूटी बोलने से हम पाउडर करके हाँ डालते हैं. अच्छा, सीक्रेट होता है ये, हम बता नहीं सकते. अच्छा, ये बता नहीं सकते. और वो भी वही है सूखी वाली, पूरा हम पाउडर बना लेते हैं पूरा. ये सीगे का एक, ये कितनी सारी है मुंगी? 108 जड़ी बूटी. 108 जड़ी बूटी है गाइस. अब सोचो 108 जड़ी बूटी एक ऑयल में डलती है तो वो कितना अच्छा इफेक्ट देगा आपके बालों को.
तो आप मुझे कुछ हिस्ट्री बताइए ये ऑयल के बारे में, लगे कैसे बना, क्योंकि ये एकदम से इतना ट्रेंड और वायरल हो रहा है, सेलिब्रिटीज इतने आए हैं, तो इसकी हिस्ट्री क्या है? मैम हमारा 400 साल पुराना हमारा खानदानी से है। हम क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा तेल पकाते थे, हम लगाते थे खुद, हमारा बाल लंबे करके बाल काट के बेचते थे। अच्छा। तभी हमारे को आइडिया नहीं था, हम पढ़ने लिखने वाले नहीं थे। हाँ। तो अभी हम क्या किए, थोड़ा थोड़ा एग्जीबिशन पे लगाते थे, थोड़ा थोड़ा तेल बना के गवर्नमेंट एग्जीबिशन पे। अभी ऑन किसी ने हमारे को आइडिया दिया, गवर्नमेंट लोगों ने, आप ऐसा ऑनलाइन भी बेच सकते हैं करके, तो हम खुद बनाते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं, खुद हम ऑनलाइन पे भेजते हैं। अच्छा, ये सब आपने खुद ही क्रिएट किया? हम खुद ही क्रिएट किया है, एकदम नेचुरल और प्योर है। वो तो देख ही रहेगा गाइस, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये एक बोतल मतलब कितना टाइम लगता होगा बनाने में? ये मैडम 24 घंटा लगता है, 24 घंटा लगता है। ओरिजिनल नारियल का तेल से बनाते हैं। अरे विनू जी, ये लड़कियों के बाल हैं, लड़कों के बाल हैं? मैम लड़के हैं। ये लड़के हैं? ओ वाओ, देखो ना लड़के। अब मुझे बताइए इसको यूज कैसे करते हैं? मैडम ये तेल है शिवा आदिवासी का तेल। ये लगाने से बाल बढ़ता है, झड़ना टूटता बाल रुकावट करता है, बाल लंबे से बढ़ता है। ये एक बोतल जेंट्स के लिए लगाए तो ऐसा बढ़ता है बाल, लेडीज के लिए दो बोतल लगाओ ऐसा बढ़ेगा। तो अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि ये ऑयल फेक है और ये मतलब इसमें केमिकल यूज किया जाता है, तो इसमें क्या बोलना है आपका? मैम आपने तो खुद आंखों से देखा है, 108 जड़ी बूटी है। लोग क्या करते, फेक ऑयल मंगा लेते हैं, केमिकल वाला मंगा लेते हैं, लगाते हैं बाल झड़ जाता है, तो हमारा ही तेल करके वो लोग समझ जाते हैं। हमारा ऐसा बनता है, नेचुरल तेल बनता है। इसको बनाने का प्रोसेस भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलो, हम इसमें कोई केमिकल कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो 2 साल का बच्चे को भी लगा सकते हैं, बूढ़े लोग भी लगा सकते हैं, इसमें कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई केमिकल वाला नहीं है। बनाने का तरीका भी मैं बनाती हूँ। तो अभी हम प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे बनता है ऑयल। जी मैम, तो पहले वो जाके देखते हैं। सो अब हम देखते हैं कि इसका मेकिंग प्रोसेस क्या है। ओ माय गॉड गाइस, आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। तो ये कितने दिन के लिए बनाते हो आप ये? मैम ये 24 आवर्स लगता है, 24 आवर्स बनाने में लगता है ये। और ये कितनी बॉटल्स दूंगी मैम? मिनिमम तो ये 600-400 बॉटल होगा मेरे ख्याल। गाइस इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है ना, पूरी कोकोनट की आ रही है। और आप देख सकते हो जो सारी जड़ी बूटियाँ बाहर थी वो सब डाला हुआ है अंदर, काफ़ी हैवी है। ये ऊपर आने में टाइम लग रहा है, 1 मिनट। ओके, ये जड़ी बूटी है। हाँ, आप दिखाओ मुझे। इतनी सारी जड़ी बूटियाँ गाइस कि मुझे ऊपर लाने में इतनी ताकत लग रही है। ओ माय गॉड गाइस, देखो कौन बोलता है ये फेक है, ये एकदम नेचुरल है। अब मुझे ये बताइए कि ये ऑयल को हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? ऑर्डर करने का तरीका है, हमारा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, वीडियो कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं, फिर shiva.aadivasi.com करके है हमारा वेबसाइट, उस पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, और इसका पेमेंट मोड क्या है? कैश ऑन डिलीवरी है। सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी। ओके, नो ऑनलाइन पेमेंट? नो ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। सो गाइस कैश ऑन डिलीवरी है, बस याद रखना। तो गाइस मैं तो अपनी बॉटल यहाँ से लेकर जा रही हूँ, तो आप भी कोई और वेबसाइट से ऑर्डर ना करें। अगर आपको ऑर्डर करना है तो shiva.aadivasi.com वेबसाइट है इनकी, और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं, वहाँ पर जाके आप अपनी बॉटल्स ऑर्डर करें।